नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुद्दा ही इतना जरूरी था कि मुझे आप लोगों से आज रूबरू होना पड़ा, वो भी फेसबुक लाइव पर। हुआ क्या है दोस्तों जम्मू कश्मीर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीनों से किसी की सरकार नहीं थी। एक अरसे से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा था कि आप भंग कीजिए और नए चुनाव करवाइए, मगर पिछले 2 या 3 दिनों में हालात ऐसे बनते जा रहे थे जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ आए और उन्होंने 56 विधायकों का समर्थन ऑफर किया। समानांतर स्तर पर क्या हो रहा था कि सज्जाद लोन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाना चाह रही थी। अब जाहिर सी बात है कि सज्जाद लोन के तहत बात बनी नहीं और बात यह हो गई दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास नंबर्स थे, मगर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्या किया? राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दोस्तों विधानसभा ही भंग कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि अब नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से निहायत ही अनडेमोक्रेटिक, अप्रजातांत्रिक कदम माना जाएगा। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं इस बात पर गौर कीजिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार राज्यपालों का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी, अपनी दबंगई करने के लिए कर रही है, और मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। यहां आपने देखा इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसकी धज्जियां उड़ा दी बूटा सिंह वर्सेस नीतीश कुमार वाले मामले में। यहां पर क्या हो रहा है राज्यपाल का, सत्यपाल मलिक का गलत इस्तेमाल तो हुआ ही है दोस्तों। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से कर्नाटक में भी वजूभाई वाला का गलत इस्तेमाल किया गया था। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त किस तरह से बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया जबकि उनके पास नंबर्स नहीं थे, जबकि उस वक्त जेडीएस और कांग्रेस कह रहे थे कि हमारे पास नंबर्स हैं, बावजूद इसके वजूभाई वाला ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। वजूभाई वाला जो फॉर्मर बीजेपी लीडर थे और कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और इसी तरह से सत्यपाल मलिक का गलत इस्तेमाल करके, राज्यपाल का गलत इस्तेमाल करके जो है यहां पर भंग कर दिया गया विधानसभा को। देखिए अगर आप अन्य राज्यों में इस तरह का तजुर्बा करते हैं ना, एक अलग बात होती है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तरह के खतरे जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, उसके हालात अलग है। वहां पर आप अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो यकीन मानिए इसका नुकसान देश को होगा, जैसा कि 1989-89 में हुआ था। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि उस वक्त किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई थी। नतीजा यह हुआ कि मिलिटेंसी जो है वो चरम पर चली गई थी और हम उससे अब भी नहीं उबर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने पीडीपी से समर्थन खींचा, वो पीडीपी जिसके साथ वो सत्ता में आई थी, और जम्मू कश्मीर को उसने अधर में छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि अपनी सियासत के लिए मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल कर रही है, और दोस्तों इतिहास हमें कभी माफ नहीं करने वाला है। इतिहास हमें कभी माफ नहीं करने वाला है अगर हम इस तरह से जम्मू कश्मीर अपने सियासत के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। न सिर्फ हम जम्मू कश्मीर का सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हम राज्यपालों के जो ऑफिस हैं, यानी कि बीजेपी राज्यपाल के ऑफिस की भी धज्जियां उड़ा रही है। मैंने आपको वजूभाई वाला का इस्तेमाल की मिसाल दी, मगर आज मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलना चाहता हूं। मैं आपको ले चलना चाहता हूं 1984 में दोस्तों, उस वक्त इंदिरा गांधी जो है, ये July 2 की बात थी, फारूख अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त इंदिरा गांधी ने उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन के साथ मिलकर उन्हीं के पार्टी यानी कि फारूक अब्दुल्ला के साले और पार्टी के एक और नेता जीएम शाह के साथ मिलकर एक तख्ता पलट कर दिया। नतीजा हुआ ये कि फारूक अब्दुल्ला की गद्दी चली गई और जीएम शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ 12 विधायक जो टूटकर आए उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली।
उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था जगमोहन का, राज्यपाल का इस्तेमाल किया था अपनी निजी सियासत के लिए। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उस वक्त भारत की अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद राजनेता थी, प्रधानमंत्री तो थी ही देश की, मगर उनसे बड़ा किसी का कद नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राजनीतिक कद का दुरुपयोग किया दोस्तों। आज वही मोदी सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ उस वक्त जो नाइंसाफी हुई थी 1984 में, अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के किरदार को लेकर पहले बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2005 में उस वक्त एनडीए ने, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर 2005 में सरकार बनाने की पेशकश की थी, मगर उस वक्त की कांग्रेस सरकार, जिस राज्यपाल थे बूटा सिंह, उन्होंने इजाजत नहीं दी और विधानसभा को भंग कर दिया। बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख तेवर अपनाए थे, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि बूटा सिंह के बारे में, जो कि कांग्रेस के राज्यपाल थे बिहार में, क्या कहा था। ऑल कैनन्स ऑफ प्रोप्राइटी वे थ्रोन टू द विंड, अनड्यू हेस्ट मेड बाय द गवर्नर स्मैक्स ऑफ मैलिफाइड इंटेंट। बेवजह की जल्दी उस वक्त के राज्यपाल बूटा सिंह ने की थी। The court also observed that the governor's drastic and extreme action under Article 356 cannot be justified and also came down hard on the center. Kendra Sarkar ki kadi aalochna Supreme Court ne ki thi, stating that the Council of Ministers should have verified the facts stated in the report of the governor before hurriedly accepting it as gospel of truth. Main aapko bata dun, is mamle ko lekar Supreme Court ke itne talkh tevar the, और उस वक्त नाइंसाफी किसने की थी? कांग्रेस की सरकार ने। मगर आज नाइंसाफी कौन कर रहा है दोस्तों? मोदी सरकार कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया है। मगर देखिए, जम्मू कश्मीर बिहार नहीं है, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश नहीं है, जम्मू कश्मीर के विशेष हालात हैं। अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर आप आग के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मगर ऐसा लगता है सत्ता और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में इस कदर घुस गई है कि अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग गवर्नर्स का बिल्कुल उसी तरह से बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक जमाने में कांग्रेस किया करती थी। इनको बिल्कुल भी लिहाज नहीं है संविधान का, बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। और दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है। आप जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप संवैधानिक अथॉरिटीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह दबंगई, यह सियासी दबंगई नहीं चलेगी। ये सरकार वो सब कुछ कर रही है जिसके लिए वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। कितने दुखद बात है, आप वो सब कर रहे हैं जिसके लिए आप कांग्रेस को आड़े हाथों लेते थे। और यकीन मानिए दोस्तों, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह अपने आप में बहुत दुखद है कि किस तरह से बगैर इतिहास से सीख लिए भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या, संवैधानिक मान्यताओं की हत्या कर रही है, कानून की धज्जियां उड़ा रही है, और यह अपने आप में बहुत दुखद बात है। और कम से कम मेरी गुजारिश है मोदी सरकार के साथ कि आप जम्मू कश्मीर के साथ यह खिलवाड़ तो कतई ना करें। मगर सियासत है, मशवरे किसको फर्क पड़ता है? सियासत है, और खासकर जब सियासत इतनी नफरत भरी हो, हिंदू मुस्लिम की सियासत हो, तो संविधान के क्या मायने हैं दोस्तों। बहरहाल, अगर आपको इस ब्लॉग पर कोई टिप्पणी करनी है तो शेयर कीजिए, और फिर ऊपर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, और बस कुछ ही देर बाद मैं इसे YouTube पर भी शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट।